की नीचे लियो बैठो जी बैठो आप भी बैठो मैं एक बार बैठ जाए लोगों ठहरा मनीष यादव जी साथ में आए हुए भाई विक्रम यादव से पहले तो रावदार सिंह जी का और मनीष यादव जी का और इनके साथ आए हुए तमाम हमारे कांग्रेस पार्टी के साथियों का ग्राम पंचायत खातीवास की तरफ से समस्त साथियों की तरफ से और भाई छत्तीस बिरादरी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जोरदार तालियां बजाकर के मान सम्मान करें। अब जो मान सम्मान का प्रतीक पगड़ी है वो पगड़ी पहना के मान सम्मान किया जाएगा। ग्राम पंचायत समस्त ग्राम वासियों भाई जोरदार तालियां बजाएं आपके सामने मान सम्मान मान सम्मान कराते छिंटुराए आगे बोलो मनीष यादव जी का पगड़ी भाई बाबा रामचंद्र जी बाबा रामचंद्र जी मनीष यादव जी को भाई जोरदार तालियां बजाएं आपके बीच में मनीष यादव जी का मान सम्मान आगे बोलो जोरदार तालियां बजाए सारे साथी मान सम्मान में जोरदार तालियां बजाए सारे साथी बाबा एक बार इस साइड देखो आ जाओ आ जाओ तम तम रुको रुको एक मिनट क्या कर रहे हैं भाई महेश बाबूजी दूसरे बाबूजी आ जाए महेश बाबूजी शिक्षा बोर्ड वाले बिजली बोर्ड वाले महेश बाबूजी थोड़ी भेंट करके रावदान सिंह जी का मान भाई जोरदार तालियां बजाए रावदान सिंह जी का मान सम्मान आपके बीच में भाई छोटेलाल जी रावदान सिंह जी को लोही भेंट करके मान सम्मान कर रहे हैं छोटेलाल जी ये महेश बाबूजी शिक्षा बोर्ड वाले हैं भाई जोरदार तालियां बजाए महेश बाबूजी की तरफ से मान सम्मान एक बार इस साइड देखो जी ठीक है जी धन्यवाद भाई जोरदार तालियां बजाए सारे साथी भाई की तरफ से मान सम्मान देखो जी ठीक है धन्यवाद पगड़ी पहना करके मान सम्मान भाई जोरदार तालियां बजाए सारे साथी एक बार इस साइड देखो जी धन्यवाद को पगड़ी पहना करके मान सम्मान कर रहे भाई जोरदार तालियां बजाएं भाई नरेंद्र दांगड़ा जी के लिए भाई लेट हो रहे हैं राजेंद्र भाई राजेंद्र राजू सम्मान कर रहे पगड़ी पहना करके जोरदार तालियां बजाए बस जी और बजाएगा कोई मान सम्मान भाई मनोज जी भाई मनोज जी आ जाओ बुला रहे हैं जी बस बुला रहे बस दो मिनट का संदेश लेकर के आएंगे आपका नरेंद्र सांगड़ा जी हैं तो पहले एक पॉइंट खा के बैठ लीजिएगा हमारे बीच में बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बैठे हुए भानी साहब जी मैं निवेदन करूंगा कि आए और मुकेश क्या नाम है राम गोपाल जी पगड़ी पहना करके स्वागत कर रहे मान सम्मान भाई जोरदार ठीक है धन्यवाद आ जाओ जी अब मैं नरेंद्र जी से निवेदन करूंगा बस जी और भाई केवल से टोला गया है वेद घनश्याम पंडित जी ने शर्मा जी ने भाई जोरदार तालियां बजाई आपकी तरफ से मान सम्मान है और भाई सब प्रसाद लेकर के जाए केलों से का भी और बस फूलों का भी अब मैं निवेदन करूंगा नरेंद्र जांगड़ा जी से कि भाई दो मिनट का संबोधन दे क्योंकि समय कम है अभी हमारे पांच प्रोग्राम और बचे हुए हैं भाई नरेंद्र जांगड़ा नौजवान साथियों पर मेरी मातृशक्ति सबसे पहले मैं इस अपने गांव की पावन धरा को नमन करता हूं तत्पश्चात प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती और आपसे भी मैं यह उम्मीद और विश्वास करता हूं कि जब आपकी वजारत आए भाई हमें यह तो पता ही है खाली विधायक रहने वाले नहीं है हुड्डा जी के बाद अगर कोई दूसरी कुर्सी जोरदार साहब भाई जोरदार तालियां बजाए ऐसी सवाल की तरफ से मान सम्मान हमारे भाइयों की तरफ से धन्यवाद भाई
हम आपके बीच में धन्यवाद किशन जी। हमारे साथ आए हुए आज के चुनावी सभा के अंदर हमारे मंचा सिंह छोटे भाई राजस्थान शाहपुरा से विधायक भाई मनीष यादव जी, जिन्होंने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है, पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा मतों से 65,000 वोटों से जीत हासिल की। हमारे साथ भाई हमारे सीनियर एडवोकेट भाई भानिशाह गोल्डिया जी, हमारे सीनियर एडवोकेट साथी भाई चंद्र प्रकाश जी, हमारे छोटे भाई नरेंद्र जी, सम्मानित मंच, सभी पंची सरपंची नंबरदार साहबान, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो मेरी आदरणीय माताओं बहनों नौजवान साथियों प्यारे बच्चों पत्रकार गए कातिवास के अंदर आप सब लोगों की इतनी बड़ी उपस्थिति बंद करने के लिए, उसके लिए मैं 36 बरादरी सभी भाई और बहनों का तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। और भाई नरेंद्र जी ने जैसे अभी बताया कि अपने गांव के अंदर आप सब लोगों का एक मेल मुलाकात रिश्ता इतना अच्छा है कि काम करके एक कीर्तिमान स्थापित करते हैं और लोगों की इस बात से संतुष्टि है कि जो मेरे एक एक भाई ने यहां से काम किया है चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में, हमेशा उन्होंने खातिवास का नाम रोशन किया है। मैं अनेकों लोगों को जानता हूं जो बाहर भी है, जिनके पास हाथ का हुनर है, ये बहुत बड़ी बात होती है जिनके पास हाथ का हुनर हो, लेकिन साथ ही कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनके लिए आपको और हमको संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि जीवन के अंदर सब तरह की जीवन शैली रहती है, सब तरह के लोगों का जीवन जीने का तरीका रहता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी ने जो कटु अनुशासन की बात करते थे, कटु अनुभव की बात करते थे, उन्होंने आम आदमी को हर बात में पीड़ित रखा और परेशान करके रखा, कटुता लोगों के लिए छोड़ दी, कटु अनुशासन को हटा दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि अपने गांव से एक एक भाई इस बात को समझ चुका है कि जिस भाजपा पे इतना भरोसा था आज उन्होंने ही अपना भरोसा तोड़ दिया, और उससे पूरे प्रदेश में एक नाराजगी है, और उस नाराजगी का जवाब वोट की चोट से आम मतदाता देना चाहता है, और उसने मन बना लिया है कि मैं आज हरियाणा के अंदर परिवर्तन की लहर चला के सत्ता परिवर्तन करूंगा और प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, ये तय हो चुका है। जब सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है तो हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि उसके अंदर अपना हिस्सा दें और हिस्से के अंदर रहते हुए अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़े और अपने क्षेत्र के विकास की और अपने प्रदेश के विकास की बात करें। 10 साल पहले जो कांग्रेस की राज था तो बहुत कुछ किया, लेकिन इस 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक काम भी ऐसा नहीं जिसे कहा हो कि उन्होंने घोषित किया और काम किया हो। उन्होंने तो मुसीबत के अलावा जैसे नोटबंदी की मुसीबत, बिना सोचे समझे GST की मुसीबत, बिना सोचे समझे लॉकडाउन की मुसीबत, और वो कुछ भी फैसला कर सकते हैं जिन्हें आम आदमी की चिंता से पीड़ा से कोई संबंध नहीं है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि आपसे ज्यादा दूसरा कोई समझदार नहीं है, मन बढ़ चुका लोगों का, विषय कोई बदलना चाहे तो नहीं बदलेगा, और हमने नारा दिया है हाथ बदलेगा हालात, हाथ से ही हालात बदलोगे आप, और आने वाली 5 तारीख को दूसरे नंबर पर हाथ के निशान पर दबा दब वोट डाल देना, अगला काम हम कर देंगे। मुझे पूरा भरोसा है जितने भारी मतों से आप जिता के भेजेंगे उतनी भारी ताकत से हम आपके पास आएंगे। आज जब हमारी ये घोषणा पत्र की बात आई तो हमने पहले 7 गारंटियां दी थी, और अब कुछ ऐसी घोषणाएं हैं जो हम ये कह रहे हैं कि हमारी सत्ता आने पर उस पर विचार करके जो संभव होगा वो करेंगे, लेकिन 7 गारंटी तो वो दे रहे हैं जो 100% हम करेंगे। वो गारंटी क्या है? भाजपा की गारंटी तो चलती नहीं, क्योंकि उन्होंने तो 2 करोड़ लोगों को सालाना रोजगार देना नहीं दिया,
सबके अच्छे दिन लाना नहीं लाए, 15 लाख रुपए खाते में जमा कराना नहीं कराए, किसान की आमदनी को डबल करना नहीं कर पाए, उनकी कथनी का कोई अंतर है कथनी और करनी में, उनके कोई गारंटी का अर्थ नहीं, कांग्रेस की गारंटी का अर्थ है। और वो कैसे मैं बताना चाहूंगा, कांग्रेस ने मनमोहन सिंह जी जिस टाइम पे प्रधानमंत्री थे ये कहा था कि किसानों का कर्जा हम माफ करेंगे, 72,000 करोड़ का कर्जा किसानों का माफ किया था, कोई व्यक्ति ना करना चाहता तो रिकॉर्ड चेक कर सकता है। हुड्डा साहब ने कहा था 1600 करोड़ रुपए माफ करेंगे, करके दिया कि नहीं दिया आपके सामने है। आज भाजपा किस मन से कह रही, इन्होंने तो जो वादे किए थे ही नहीं पूरा, तो भाई कांग्रेस क्या कह रही है, 3-4 चीजें मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला बुढ़ापा पेंशन, जब भाजपा ने 2019 में चुनाव से पहले घोषणा की कि हमें दोबारा मौका दोगे आप तो हम आपका बुढ़ापा पेंशन 3100 रुपए कर देंगे, करना अगले महीने से था, सत्ता भी आ गई उनकी लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब लास्ट में जब 5 साल पूरे हो गए तो 3000 किया है, 3100 भी नहीं हुआ। कांग्रेस ये कहती है ना तो हम 3100 में रहेंगे, नहीं क्या उनसे हम सीधा 6000 रुपए देंगे एक बुजुर्ग को, दोनों को 12000 हो जाएंगे। हमारी ये बहन बेटियां सुबह चूल्हा जलाती तो गैस की कीमत का पता करती, भाई मैं इनको बताना चाहता हूं कि गैस जब 400 रुपए की थी कांग्रेस के टाइम पे तो यही भाजपा के लोग कपड़े उतार के प्रदर्शन करते थे, हाई महंगाई हाई महंगाई, अब 1200 होगी तो बोलते नहीं। तो भाई अपने टाइम पे सत्ता आते ही 500 रुपए में आपको सिलेंडर दे देंगे। फिर महंगाई का जिक्र तो किया लेकिन महंगाई के ऊपर आपकी राहत नहीं दी, कांग्रेस उसमें थोड़ी राहत देना चाहती है। बोल देखिए थोड़ी सी हमारे से गलती हो गई, ब्राह्मण समाज से दक्षेस कौशिक नेताजी को पगड़ी पहनाकर पूरे ब्राह्मण समाज की तरफ से मान सम्मान की पगड़ी राव दान सिंह जी को पहना रहे, जोरदार तालियां। हमारे वोट मीट के लिए हम समाज प्रार्थी है, ये बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम बेटा, पटका भी दे दे, नहीं ये माला तो ये ले भाई, ये ले ये पटका ले, शॉर्ट कर दिया जी। 300 यूनिट बिजली की फ्री मिलेगी, उनमें कोई आपकी लागत नहीं आएगी। बीपीएल प्लॉट्स के लिए 100 गज के प्लॉट हमने दिए थे, उसके बाद इन्होंने बंद कर दिए। हमने फिर तय किया है कि दोबारा सत्ता आते ही 100 गज का प्लॉट तो देंगे ही, लेकिन खाली प्लॉट नहीं देंगे, 2 कमरे 1 रसोई और 1 बाथरूम उसके अंदर बना के देंगे। कोई हमारी बहन अगर दुर्भाग्य से विधवा हो गई उसको 6000 देंगे, कोई भाई फिजिकली हैंडीकैप हो गया उसको भी 6000 देंगे, कोई हमारी बहन जो 18 साल से बड़ी है, साधन कोई है नहीं, शादी हुई नहीं और उसकी परेशानी है और वो पीड़ित है तो उसको 2000 रुपये रसोई खर्च के नाम पे उसको भी दिया करेंगे। और भाई भगवान ना करे कोई बीमार हो जाए तो उसके इलाज के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपए की राहत केंद्र गवर्नमेंट से मिल सकती है आयुष्मान के कार्ड के नाम से। लेकिन कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ इलाज कराना चाहते हो 20-25 लाख रुपये लगते हैं। तो भाई कांग्रेस ने फैसला किया है कि हम किसी भी भाई को भगवान ने करे ऐसी परेशानी आए लेकिन आ जाती है तो 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री करके देंगे किसी भी हॉस्पिटल में, आप किसी प्राइवेट में कराए चाहे सर। आज और ज्यादा परेशानी है फैमिली आईडी की, उससे हर आदमी परेशान। तो भाई ये हमने कह दिया जैसे आपकी सत्ता आएगी सबसे पहले काटा इस फैमिली आईडी वाले बात से लगेगा, कोई तकलीफ ठीक है। और इसके अलावा तो आपको पता ही है जो जो बातें सामने, बस अब तो आग मछली का एक निशाना हाथ का निशान और 2 नंबर पर बटन खटा कर दबा देना, उसके बाद मैं यहीं आके इसी ऐतिहासिक चौक पे आऊंगा और यहीं से बैठ के अपनी जो समस्याएं उनका समाधान करेंगे ऐसा मैं कहता हूं। अब समाज ने पूरी मान सम्मान की मेरे को भाई मनीष और सभी साथियों को पगड़ी पहना करके सम्मान किया, हम विश्वास दिलाते कि आपके मान सम्मान को ऊंचा करके रखेंगे। जय हिंद।
धन्यवाद। राव तान सिंह जी, हमारे गांव में उनके साथ जितने भी साथी आए हैं, विधायक मनीष यादव जी शाहपुरा से, और उनके साथ जितने भी आए हैं उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं हम। और हम पूरे गांव की तरफ से एक बार हाथ उठा के सभी आश्वासन दीजिए नेताजी को कि अब की बार पहली बार नेताजी जीतेंगे। हम ये पूरा आश्वासन दे देंगे, आज से पहले जैसे पीटीआई भाई ने बताया कि हमारे यहाँ रिजल्ट थोड़ा डाउन रहा, लेकिन इस बार आपको निराश नहीं करेंगे, इस बार का रिजल्ट आपको देखने लायक मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। सबसे पहले नेताजी यही से शुरू करेंगे विकास कार्य, ये मेरी तरफ से सुरेंद्र साहब धन्यवाद।